हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डीएमएस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईआईटी रुड़की की कट ऑफ बताऊंगा, जेई एडवांस की ऑल जितने भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस की कट ऑफ बताऊंगा मैं, बीटेक और बीआर की, और सभी कैटेगरीज की बताऊंगा मैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या जो भी ईडब्ल्यूएस है सबकी बताऊंगा। तो ऑल इंडिया इसमें होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होता क्योंकि आईआईटी है, तो पूरे डिटेल में बताऊंगा मैं। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ सही है, तो आप ये सोच सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लेकर चल सकते हैं इस साल 2022 के लिए, लेकिन ये लास्ट ईयर की 2021 की कट ऑफ्स हैं फर्स्ट राउंड की। इससे हमें आइडिया ये लगेगा कि इस साल कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहता है वही इस नेक्स्ट ईयर कट ऑफ रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली ही कट ऑफ और प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो ये वीडियो आप सबको पता ही है कि मैं कट ऑफ पर वीडियो अभी आजकल ला रहा हूँ, क्योंकि अभी जे एडवांस में एडमिशन सब आईआईटी में लेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए क्या कट ऑफ होने वाला है, उसके बाद मैं प्लेसमेंट की भी बताऊंगा। तो राउंड वन की अगर बात करें तो प्लेसमेंट वीडियोस और कट ऑफ वीडियो की तो मैं लाता रहता हूं। राउंड वन अगर आईआईटी रुड़की है, ये आईआईटी रुड़की के बारे में आप सबको पता है, अगर कैंपस की बात करें तो मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आता है इन इंडिया, और वन ऑफ मतलब ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है इसकी, आर्किटेक्चर के लिए भी वन पे है, आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अल्फ़ाबेटिकली है, यहाँ पे बीटेक की भी बताऊँगा, ए से अल्फ़ाबेटिकली है, तो आर्किटेक्चर सबसे ऊपर आता है, 5 ईयर का होता है आर्किटेक्चर। इसके अंदर ऑल इंडिया 14,859 रैंक पे जनरल को आर्किटेक्चर बी आर्क मिल रही है, आपको आईआईटी रुड़की मिल रहा है जनरल को, बहुत सही है ये, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फीमेल को 23,000 पे मिल रहा है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2322 है ये, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 2322 है। यहाँ पे अगेन आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सीआरएल रैंक कट ऑफ है या फिर कैटेगरी, क्योंकि यार कैटेगरी ऑब्वियसली इतनी कम है। तो ओबीसी की बात करें तो 6,000 कम है कैटेगरी रैंक है ये, एससी की देख सकते हैं यहाँ पे, एसटी की है, पूरे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखो बीटेक शुरू हो गया है यहाँ से, बीटेक बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, तो आप जिस भी कैटेगरी से, देखो बायो साइंस का मैं बताता हूँ 6945 अप्रोक्स 7,000 है, तो 7,000 लेकर चल सकते हैं राउंड वन में, और घबराने वाली बात नहीं है अगर कट ऑफ आपको हाई लग रहा है तो, क्योंकि यार फर्स्ट राउंड में ओब्वियसली कट ऑफ हाई रहती है। 6 राउंड होते हैं टोटल आईआईटी के एडमिशन के लिए काउंसलिंग में, 6 राउंड तक बहुत लो कट ऑफ चली जाती है, तो ये समझने वाली बात है, वेट कर सकते हैं आप 6th राउंड 5th राउंड तक, उसके बाद आपको अच्छे चांसेस है कि अच्छी ब्रांच मिल जाए। और आपको तो यहाँ पे पता ही, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो सभी कैटेगरीज़ का क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक से मतलब होता है हमारा, ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होता है, ओपनिंग में तो स्टार्टिंग होती है, क्लोजिंग में सीट फुल हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक, इसमें बात करें 4306 है। देखो अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और हैदराबाद को, और इन बहुत से आईआईटीज एंड आईआईटीज की कट ऑफ की है मैंने, आपको जाके इन सब वीडियो को आप चैनल पे देख लेना, रिसेंटली सभी की है, क्योंकि ये प्लेसमेंट वीडियोस करता रहता हूँ मैं। टॉप 10 अभी देखो सिविल, सीएससी ये सब आने वाले हैं नेक्स्ट। अब देखो केमिकल साइंस आ गया है यहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद ये 5 ईयर का है, डुअल प्रोग्राम है, बीएससी एमएससी है ये, बीटेक नहीं है ये, ध्यान देने वाली बात है, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस, नॉट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बीटेक एमटेक नहीं है ये, 5 ईयर प्रोग्राम है बीएसएमएस, तो यहाँ पे 10,000 पे आपको मिल रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी कट ऑफ लो है, तो रैंक आपकी लो, लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आर्किटेक्चर की तरफ भी जा सकते हैं आप, अच्छा एक अच्छा ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ। और हमारे चैनल पे यार अभी पहले देख लो कट ऑफ फिर बताता हूँ। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया, इसमें बात करें जनरल की तो 5931 है, देखो कट ऑफ इसकी लोएस्ट अप्रोक्स 6,000 तक है, सिविल की तरफ भी जा सकते हैं, वैसे वेट कर सकते हैं, सिविल के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका नाम ही सिविल इंजीनियरिंग, सबसे पहले जब ये आईआईटी रुड़की स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम ही सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से पड़ा था ये, तो सिविल के लिए तो बहुत अच्छा है वैसे ये। तो अब नेक्स्ट आ चुका है आप सबका फेवरेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस, इसमें बात करें कट ऑफ तो 414 है जेई एडवांस में, देखो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि यार देखो आईआईटी बॉम्बे में की 69-66 ऐसी रहती है, दिल्ली की 99 है, और आईआईटी रुड़की की प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, और सीएस की प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। आईआईटी रुड़की की प्लेसमेंट की हुई है मैंने, पूरे सभी ब्रांचेस की आईआईटी रुड़की की प्लेसमेंट मैंने, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, मीडियम पैकेज, प्लेसमेंट रेट सभी ब्रांचेस की आईआईटी रुड़की और खड़गपुर की, बीटेक की भी, एमटेक की भी, एमएस की भी, पीएचडी की, पीएचडी तक की है, पूरे डिटेल में की है 2022 की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा प्लेसमेंट देख के आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्लेसमेंट वीडियोस भी लाता रहता हूँ मैं डेली, और कोई भी फालतू वीडियो लेके नहीं आता आप सबको पता ही है, तो डेली इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट आ चुका है इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत सही है,
अब यहाँ पे बी ए, ये देखो बैचलर ऑफ साइंस बी एस एंड डुअल डिग्री है, 5 ईयर का है। अगर वैसे अगर आप नॉर्मल अगर बी एस सी करना चाहें तो यहाँ आई टी में 4 ईयर्स का होता है, बी टेक के जैसे बी एस होता है वैसे यहाँ पे बी एस प्लस एम एस है 5 ईयर का इकोनॉमिक्स। 5884 है कट ऑफ लो है, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। आई आई टी बॉम्बे की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, वैसे आई आई टी बॉम्बे की तो सब कुछ ही अच्छा है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 1945 देखो कट ऑफ कितनी हाई है, 1945 देखो यहाँ पे सभी कैटेगरीज की दी हुई है पूरी डिटेल में, देख सकते हैं आप। अगर इसमें कुछ आपको सब कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, और कुछ अगर एक भी पॉइंट अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट में बताना, या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना। मेरी इंस्टा की लिंक, आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यूज़र नेम भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझसे डीएम कर देना। मेरी पर्सनल आईडी है, कुछ भी पूछना या बताना हो तो। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम आ चुके हैं, आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वैसे ECE की बात करें तो यहाँ पे 1383, आप सबको पता है ECE बहुत अच्छी ब्रांच है। CS के बाद यही एक मेजर ब्रांच है, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब ना हो तो। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली, आप जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी एक सही है, 3906 है अप्रोक्स, देखो 4000 से बिलो इसका कट ऑफ है। यहाँ पे देखो सर OBC दिया हुआ है, SC दिया, अगेन बता रहा हूँ ये सारी कैटेगरी रैंक्स हैं, कोई भी जनरल CRL रैंक नहीं है जो आप समझते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, सिविल और इन सब के लिए तो बहुत अच्छा है IIT रुड़की, आपको तो पता है। वैसे सिविल ब्रांच डाउन है, लेकिन IIT रुड़की की तो कोई भी ब्रांच ख़राब नहीं है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे। अब वैसे भी IIT रुड़की की बात करें तो कैंपस या पुराना, मतलब बहुत अच्छा है IIT रुड़की। इवन मैंने अभी कुछ सर्वे किया था कुछ महीने पहले, तो मैंने डाला था कि आपको कौन सी IIT पसंद है, तो कुछ IITs को ऑप्शन में मैंने डाला था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा IIT बॉम्बे, उसके बाद IIT रुड़की को वोट मिला था। इवन IIT दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, इन सबको बहुत कम मिला था। तो आप समझ सकते हैं IIT रुड़की सबके दिलों में रहता है, दिमाग में नहीं, सिर्फ इसके कैंपस की वजह से यहाँ पे। और वैसे ही बहुत अच्छा है प्लेसमेंट, तो अभी आपने देखा था प्लेसमेंट इसके ऊपर की हुई है, बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, देखो अभी इसके ऊपर जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी था, यहाँ पे जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जियो फिजिकल है, जियोलॉजिकल में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 8887 है यहाँ पे, तो एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि IIT रुड़की में ब्रांचेस ज़्यादा हैं, लो ब्रांचेस बहुत हैं, अगर आपकी लो रैंक है और अगर आपको IIT रुड़की चाहिए तो मिलने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके बारे में बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांच है आफ्टर कंप्यूटर साइंस, लेकिन यहाँ पे बीटेक में नहीं है ये BS एंड MS है, बैचलर ऑफ साइंस, क्लियरली लिखा हुआ है, डुअल डिग्री 5 ईयर का। तो वैसे इससे पहले मैंने करा था IIT हैदराबाद में, तो उसमें बीटेक में है। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की देखो कट ऑफ ही इतनी हाई है, 1532 है जनरल के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। प्लेसमेंट अगर आपको डाउट है तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ब्रांच मैटर करता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ब्रांच बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इसमें जनरल की बात करें तो 3379 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, कहीं कहीं मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस होता है, कहीं सिर्फ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कहीं मटेरियल साइंस, बहुत सारे नाम होते हैं वैसे इसके अंदर, अलग होता है मतलब अलग होता है, थोड़ी स्टडी अलग हो जाती है, लेकिन बस क्योंकि नाम है थोड़ा बहुत चेंज रहता है, मेजर चीज़ तो कॉमन रहती है इसके अंदर। इसमें 6343 है कट ऑफ जनरल के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एक एक करके बोलूँ तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, और आप, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे और मैनेजमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि JEE एडवांस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर उसके बाद एडमिशन का भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका टाइम बचे, तो इसके लिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं ले जाना चाहता। डेली 24 आवर्स में 10 मिनट्स की एवरेज मेरी वीडियो लेंथ होती है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो बस 10 मिनट्स देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिर्फ 24 आवर्स में 10 मिनट्स चाहिए आपके, और आपको इसमें नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा, नॉलेज लेना अच्छी बात होती है। नेक्स्ट आ चुका है फिजिक्स, BSc MSc फिजिक्स 5 ईयर, अगेन इसमें 6423 कट ऑफ है JEE एडवांस के लिए, राउंड वन की है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सारे राउंड आते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि पूरे अच्छे से आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे,
बहुत ही ज़्यादा। और ये ऐसा तो है नहीं मैंने आप, क्योंकि एक भी यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ एक मिनट का भी इधर उधर का कोई मैं फालतू बात नहीं बता रहा, क्योंकि एक जितने भी वीडियो अभी तक चली है मेरी इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल ही बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दी है मैंने आपको। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल बीटेक है ये, इसमें जनरल की बात करें तो 4886 है, देख सकते हैं। अगर आपकी रैंक अगर लो आती है तो, अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो आप लो आईआईटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चाहिए, क्योंकि ब्रांच से प्लेसमेंट होती है लो आईआईटीज में, सीएस में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अच्छी ब्रांच अच्छी आईआईटी ही चाहिए तो आप लो ब्रांच की तरफ भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर जरा सी पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ और डेली कट ऑफ प्लेसमेंट और एडमिशन प्रोसेस पे लेके आता हूँ मैं। और कोई भी दो, और अभी मैंने टॉप 10 आईआईटीज और टॉप 20 एनआईटीज किए हुए हैं 2022 में, प्लेसमेंट वाइज की हुई है बेस ऑन द रियल प्लेसमेंट, वो जाके जरूर देखना, क्योंकि रियल प्लेसमेंट के ऊपर रैंकिंग नहीं आती है जल्दी, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में सर्च करके बनाया मैंने रैंकिंग बहुत, और ये बिल्कुल सही रैंकिंग है आपको, क्योंकि बहुत से बच्चों को गलत लगेगा क्योंकि बहुत ऊपर नीचे हो रखा है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जिस आईआईटी को और एनआईटी को अच्छा समझते हैं इनफैक्ट उसमें प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, और जिसको ख़राब समझते हैं इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जाके जरूर देखना। इन सब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि डेली वीडियो लेके आता हूँ मैं। कमेंट करके जरूर बताना कोई भी डाउट हो तो, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लाइक करो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।